बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर का सेकेंड ईयर का पाकिस्तान स्टडीज़ का गैस पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे और आपको मैं कम्प्लीट MCQs भी इसके बताऊँगा। पहली MCQs है, ही प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन 1940। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो थी 1940 में, जो किसने प्रेजेंट की थी, मौलवी फजलुल हक ने। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस बेसिन ट्रीटी वॉज साइंड इन दिस ईयर 1960 में ये साइन हुआ था। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज, तो इसका आंसर जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू ऑब्जर्व इस्लामोफोबिया डे ऑन 15 मार्च। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अ मुंबई तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1936। ठीक है, ही वॉज द लास्ट वाइसर ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। द हाइएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान इज निशान हैदर। मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913। जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। पाकिस्तान एंड चाइना इकोनॉमिक ट्रेड रूट इज नोन एज CPEC। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर दिस। सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश अलीगढ़ कॉलेज इन दिस ईयर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1876। इन सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया द लैंड ऑफ 5 रिवर्स इन दिस टाइटल ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली इज 342। द होली कुरान वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया इन दिस लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पाकिस्तान एंड तुर्की आर कनेक्टेड थ्रू द ट्रेड रूट ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी, ठीक है। कराची स्टील मिल, इसमें डिफेंस डे, सॉरी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है योम तकबीर। पाकिस्तान इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। द फर्स्ट एनुअल सेशन वाज हेड एट कराची। तो ये था फ्रेंड इसका कंप्लीट एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं इसके उर्दू वर्जन की तरफ। तो इन्होंने किराया था पाकिस्तान मंजूर की थी, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा मौलवी फजलुल हक ने, ठीक है। सिंताज माहदे पर इस साल दस्तखत हुए 1960, ठीक है। इसमें 15 मार्च 1193 इस साल हुए को 1936। लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है, तो वो है आपका निशाने हैदर 1913। सी पैक है इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा 1876 पंजाब, इस कौमी असेंबली के कुल अरकिन की तादाद है 342। पाकिस्तान इदारे आला अल्लाह ताला का है। स्टील मिल है। योम तकबीर। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद है, तो वो ज़रात है कराची में, ठीक है। तो इंग्लिश उर्दू दोनों में मैंने आप लोग को सॉल्व करवा दिया, और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो आप देख सकते हैं, और लॉन्ग भी शॉर्ट आपके साथ यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था कम्प्लीट पेपर जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। कोई क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।